हेलो दोस्तों, आज जो हम डील करने वाले हैं वो आपकी है प्रॉब्लम नंबर चैप्टर नंबर 14.1 पेज 270 पे है, जो आपकी क्लास 10th की बुक में जो स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम है अरिथमेटिक मीन का या मीन का। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। अब आपको देखो करना क्या है, सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका मीन का। मीन के लिए आपको जो पता ही है कि आपके पास एक फार्मूला होता है मीन को कैलकुलेट करने के लिए, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एन जहाँ पर होता है आपका सिग्मा एफ आई। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। हम यहाँ पर जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। वैसे हमारे पास तीन मेथड हैं अवेलेबल बुक्स में, जब भी आप एग्ज़ाम्स में जा रहे हैं तो एग्ज़ाम्स में आप इन तीनों मेथड्स में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, अगर उसने स्पेसिफिक नहीं पूछा है अगर आपसे तो। नॉर्मली वो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे स्पेसिफिक अगर पूछता है तो हम दूसरे वीडियोज़ में इसको डील करेंगे कि और जो दो मेथड्स हैं वो कैसे यूज करने हैं, चाहे वो एज्यूम्ड मीन का हो चाहे स्टेप डेविएशन का हो। ओके, तो अब देखिए, अब हमारे यहाँ पास कुछ डेटा यह दिया हुआ है, उन्होंने नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं 0 to 2, नंबर ऑफ हाउसेज दिए हुए हैं 1। नंबर ऑफ प्लांट्स का मतलब है कि 0 से लेकर 2 प्लांट्स तक कितने घरों में अवेलेबल हैं। तो एक घर में हैं 2 से 4, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, वो 2 घरों में हैं। तो अब ये जो है आपका नंबर ऑफ हाउसेज है, इसको हम मान लेते हैं एफ आई। अब ये आई है, आई क्यों लिखते हैं हम, आई का मतलब होता है एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव एफ सिक्स एफ सेवन। प्रॉब्लम के हिसाब से इस आई की जगह पे आप कितने भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर n तक। ऑलराइट, अब हमको निकालना है, देखिए फॉर्मूला के लिए अब हमको एक निकालना है एक्स आई। अभी एक्स आई क्या है, एक्स आई है बेसिकली इन दोनों का मीन, इन दोनों का सेंटर भी आप इसको बोल सकते हैं। ये है आपका 0 + 2/2 या 2 + 4/2। नॉर्मली इसका सेंटर हम गैस से निकाल सकते हैं, देखिए 0 और 2 के बीच में 1 होता है, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। वैसे ही आप जितने भी आपके पास ये डेटा है सारा अवेलेबल, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर एक चाहिए हमको n, जो n है आपका सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब इस सारे का टोटल, इस वाले कॉलम का हमको टोटल चाहिए एक सिग्मा एफ आई। ये टोटल देखिए हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 20, तो इसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन है, इस पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमको चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई क्या करना है, एफ वन को एक्स वन से मल्टीप्लाई करना है, एफ टू को एक्स टू से मल्टीप्लाई करना है, एफ थ्री को एक्स थ्री से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1, 6, 5, 35, 54, 22 and 39। इसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमको कहीं भी काम आने वाला नहीं है, हमको चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए हो गया आपका 162। इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, सिंपल है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एफ आई एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 162 और एन दिया हुआ है हमको 20। अब देखो इसको इसे डिवाइड करेगा, 28 से 160, 2 बचेगा तो 8.1। इसका मतलब है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स पर हाउस, मतलब एक घर में लगभग कितने पौधे हैं। तो लगभग हमारे पास 8.1 का मतलब होता है 8.1 तो पौधा हो नहीं सकता, तो लगभग 8 पौधे हैं हर एक घर में। तो ये आपको जो मेथड था ये हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज बहुत ही छोटी होती हैं, नहीं तो हम दूसरे मेथड्स की तरफ जा सकते हैं, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो या आपका अज्यूम्ड मीन मेथड हो, वो हम अदर वीडियोस में डील करेंगे। राइट, थैंक यू। तो इसके हिसाब से आप जितने भी इस चैप्टर में एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।